हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में 6% का हमें गिरावट देखने को मिला। एकदम से हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रैश देखने को मिल रहा है और दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें देखने को मिला है। निफ्टी 50 की बात करें तो 250 पॉइंट का हमें करेक्शन देखने को मिला और दोस्तों बीएसई सेंसेक्स में हमें 800 पॉइंट से अबव का करेक्शन का फिगर देखने को मिला, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने भी 6% का गिरावट शो किया है। हालांकि स्टॉक मिड कैप से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमें वोलेटिलिटी का फिगर अधिक देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक हमें काफी शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है, तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो यहां पे पिछली 1 मंथ की हम बात करेंगे तो ओनली 6% के गिरावट का फिगर है, जो कि कोई खास अधिक है नहीं। और दोस्तों पिछले 6 मंथ में यहां पे देख सकते हो 8% से अबव का इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। और दोस्तों पिछले 1 साल की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 18% से अबव का मुनाफा का फिगर है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और दोस्तों पिछले 5 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 200% के आसपास का मुनाफा का फिगर है। जबरदस्त तरीके से फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ से इसका प्राइस थोड़ा सा हमें साइड जोन में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों सबसे अधिक दिनों में यहाँ पे देख सकते हो 1700 से 1800% के आसपास का मुनाफा का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा साइड जोन में इसका प्राइस देखने को मिला और दोस्तों यहां से काफी स्ट्रॉन्ग हमें रैली देखने को मिला। और दोस्तों जो सिचुएशन हमें यहां पर देखने को मिला था, सेम सिचुएशन हमें यहां पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस हमें डेफिनेटली 500 की भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। स्टॉक हमें अच्छा खासा फिगर में देखने को मिल रहा है, इसका पी रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के रिगार्डिंग। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसका ईयरली रेवेन्यू का फिगर काफी शानदार है। एवरी ईयर जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में फिगर यहाँ पे कंपनी ने शो किया है अभी तक। और दोस्तों नेट प्रॉफिट का फिगर भी यहाँ पे देख सकते हो, इस साल का सबसे हाइएस्ट हमें नेट प्रॉफिट का फिगर है। जिस तरीके से इसका रेवेन्यू का फिगर जबरदस्त हमें देखने को मिला, ठीक वैसा ही हमें नेट प्रॉफिट का फिगर भी एवरी ईयर का काफी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका प्राइस का ग्राफ, इनकी स्टॉक प्राइस का ग्राफ भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हालांकि आजकल एक साइड जोन में इसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों फ्यूचर में इसमें काफी शानदार तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसका रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट का ग्राफ हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ओनली हमें यहाँ पे 7300 करोड़ के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों बात करें इसका 52 का हाई क्या, तो रफली 300 के आसपास का हाई शो किया था, जो कि लो की बात करेंगे तो ओनली 210 रुपए के आसपास का लो का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो स्टॉक का पी रेशियो है, यहाँ पे ओनली 16 के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे 31 के आसपास का फिगर है। यानी कि जो इसका प्राइस हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से स्टॉक हमें काफी शानदार तरीके से फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है तो हमें इसमें फोकस बनाकर रखना चाहिए। और दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से क्रैश किया इस स्टॉक ने 5% के आसपास का गिरावट, तो हमें ऐसे सिचुएशन में इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रखना चाहिए। और दोस्तों रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 15% से अबव का फिगर है, जो कि काफी शानदार है। रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयड का फिगर भी यहाँ पे 21% का फिगर है, जो कि जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो इसका फेस वैल्यू है, यहाँ पे हमें 2 रुपए का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग 51% से अबव का है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। और दोस्तों यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस है नहीं। और दोस्तों इसका EPS जो है 18 रुपए के आसपास का फिगर है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.24 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई खास डेप्ट भी है नहीं। और दोस्तों फ्री कैश फ्लो यहाँ पे देख सकते हो 1100 करोड़ का कैश का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो इसका PEG रेशियो है, थोड़ा सा हमें हाई देखने को मिल रहा है, अदरवाइज ये भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से इसका फंडामेंटल है जबरदस्त है, फ्री कैश फ्लो काफी शानदार है, 1100 करोड़ का फिगर है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग फिगर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका क्वार्टरली सेल्स का फिगर काफी अच्छा खासा है। हालांकि इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में एवरी क्वार्टर का काफी अच्छा खासा है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट का फिगर भी यहाँ पे देख सकते हो, जबरदस्त तरीके से एवरी क्वार्टर का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका ईयरली सेल्स का फिगर भी अच्छा खासा
फिगर हमें देखने को मिल रहा है एवरी ईयर का। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफी इंक्रीमेंट के साथ हमें फिगर देखने को मिला और दोस्तों इस साल के अभी तक का सेल्स का फिगर भी स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में अच्छे खासा है और दोस्तों नेट प्रॉफिट का फिगर यहाँ पे देख सकते हो, नेट प्रॉफिट का फिगर भी काफी शानदार है। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे कंपनी ने जबरदस्त तरीके से सेल्स ग्रोथ का फिगर भी शो किया है, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक प्राइस सीएजीआर का फिगर यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मुनाफा दिखाया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 28% का सीएजीआर का रिटर्न दिया है दोस्तों, और पिछले 5 ईयर में ये भी अच्छा खासा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग फिगर है, तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसका रिजर्व का फिगर भी काफी शानदार है, एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक शो किया है, तो फ्यूचर में स्टॉक हमें काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसका ब्रोन्स की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत हमें डेप्ट का फिगर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट के रिगार्डिंग, तो फिक्स एसेट का फिगर यहाँ पे देख सकते हो, कितना शानदार तरीके से फिगर हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में इसका प्राइस हमें डेफिनेटली दोस्तों 500 की भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, इसका फंडामेंटल काफी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक का शेयर होल्डर पैटर्न के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे भी हमें प्रमोटर का होल्डिंग 51% से अबव का देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई का होल्डिंग यहाँ पे 6% से अबव का है। और दोस्तों एफआई ने काफी अच्छे खासा खरीदारी भी किया है पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग, जो कि दोस्तों यहाँ पे डीआई की बात करेंगे तो डीआई का होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों रिटेल की बात करेंगे तो रिटेल का होल्डिंग भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफी अच्छा खासा है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 230 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू, बाय।